तो फ्रेंड्स, कई बार आप लोगों ने सीने में जलन, पेट में गैस या खट्टा पानी मुंह में आना, इस तरह की कई समस्याओं का सामना जरूर किया होगा। ये समस्याएं GERD हो सकती है या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि GERD क्या है, इसका हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों है और कैसे हम इसे थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके ठीक कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर लाठ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे, और आइए आज जानते हैं GERD के बारे में। GERD होता क्या है, इसे कुछ इस तरह से समझते हैं कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं वो एक बार हमारे पेट में टेम्पररीली स्टोर होता है, जहां उसकी एसिड और उसे हजम करने वाले एंजाइम के साथ मिक्सिंग होती है। उसके बाद वो खाना वहां से नीचे उतर के हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत होते हुए हमारे स्टूल से निकल जाता है। इस बीच में उसका एब्जॉर्प्शन होता है जिससे हमें शक्ति मिलती है। कुदरत ने इसे इस तरह से बनाया है कि एक बार पेट में जाने के बाद ये खाना ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर खाने की नली और पेट के बीच में एक छोटा सा वाल्व, या जिसे स्फिंक्टर भी कहते हैं, जिसका नाम है LES या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये एक तरह का वाल्व होता है जो कि खाने और इस एंजाइम और एसिड के मिश्रण को ऊपर आने से रोकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये खाना वहाँ से रिगर्जिटेट या यहाँ से ऊपर आ जाता है, जिसके कारण हमें इस तरह की तकलीफ जैसे हार्ट बर्न या सीने में जलन या मुंह में खट्टा पानी आना, इस तरह की तकलीफ हो सकती है। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इस तरह की तकलीफ अक्सर हमारे डे टू डे लाइफ में फेस करते ही हैं, आपने भी किया होगा, और ये ज़्यादातर लाइफस्टाइल रिलेटेड होती है, जिसे थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजेस करके हम ठीक कर सकते हैं और काफ़ी हद तक हमारी मेडिसिंस के डोसेज को भी कम कर सकते हैं। अगर न करें तो क्या होगा? अगर हम इसे ध्यान न दें और इसका सही वक्त पे इलाज न करें तो ये आगे चल के कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस, इवन इसोफेगस के कैंसर को भी जन्म दे सकती है। सिम्टम्स क्या हैं? तो जैसे मैंने पहले भी बताया, सीने में जलन होना, खट्टा पानी मुँह में आना, हमेशा मुंह में एक खट्टा खट्टा टेस्ट आना, हमेशा ढकार आना, बदहजमी जैसा फील होना, पेट फूल जाना इत्यादि। इसे डायग्नोसिस कैसे करें? यूजुअली ये सिम्टम से डायग्नोसिस हो जाता है, लेकिन कई बार हमें कुछ टेस्ट भी कराने पड़ सकते हैं, जिसमें अपर GI एंडोस्कोपी, जिसमें मुंह के द्वारा एक नली डाल के पेट में वीडियो के द्वारा देखा जाता है कि पेट में क्या तकलीफ है। दूसरा है 24 आवर pH मॉनिटरिंग ऑफ इसोफेगस। तीसरा है इसोफेजियल मैनोमेट्री, जिसमें कि अपर GI एंडोस्कोपी बहुत ही साधारण टेस्ट है जो कि छोटे छोटे शहरों में भी मिल जाता है और इसकी रिपोर्ट तुरंत आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि पेट में कहीं कोई दूसरी प्रॉब्लम जैसे घाव या अल्सर या कोई दूसरी तकलीफ जैसे कि कैंसर वगैरह तो नहीं है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किन लोगों में ये ज़्यादातर पाया जाता है? उसमें सबसे पहले आता है मोटापा, दूसरा है प्रेगनेंसी, तीसरा है टाइम पे नहीं खाना, चौथा है एक बार में बहुत ज़्यादा खा लेना, ज़्यादा फास्ट फूड या तली हुई चीज़ें या नॉन वेजिटेरियन खाना खाना, पानी कम पीना, व्यायाम न करना, खाने के बाद तुरंत लेट जाना, सॉफ्ट ड्रिंक या शराब का सेवन करना एवं स्मोकिंग करना। इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, जिसमें इसोफेजाइटिस आता है। दूसरा है बेरेट्स इसोफेगस, जिसमें कि इसोफेगस या ऊपर के खाने की नली बार बार एसिड में एक्सपोज होने के कारण उसके अंदर की लाइनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तीसरा है इसोफेजियस कैंसर, चौथा है इसोफेजियल
स्ट्रिक्चर या उसमें सिकुड़न आ जाना, और पांचवा है कई बार कई मरीज को बार बार खांसी या सांस लेने की परेशानी भी जीईआरडी में हो सकती है। इसका इलाज कैसे करें? सीने में जलन वाली शिकायत तो अक्सर कई लोगों को होती है, तो क्या हर किसी को हम जीईआरडी कहेंगे? नहीं। अगर इस तरह की सिम्टम आपको हफ्ते में कम से कम दो बार से ज़्यादा हो रहे हैं तो ही हम इसे जीईआरडी कहेंगे, नहीं तो इसे हम सिंपल हार्ट बर्न या एसिडिटी भी कह सकते हैं। और दोनों का जो लाइफस्टाइल रिलेटेड इलाज है या जो घरेलू इलाज है, दोनों का एक ही है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं? इलाज के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं और कुछ दवाइयां हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में हम यहां पर बात करेंगे, जैसे कि वज़न कम करना, नियमित व्यायाम करना, एक साथ ज़्यादा ना खा के थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना, जिसे हम स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स भी कहते हैं, खाने में चर्बी वाले चीज़ों को कम खाना, फास्ट फूड कम खाना, स्मोकिंग और शराब का सेवन कम या बंद कर देना, नियमित व्यायाम करना, खाने के बाद तुरंत नहीं सोना, बहुत ज़्यादा पेन किलर का सेवन न करना, जितना हो सके मसालेदार खाना या बाहर से खाना कम खाना, और जितना ज़्यादा हो सके फल सब्जियां या अनकुक्ड फूड खाना, ज़्यादा पानी पीना। कि आपको इस तरह की कोई सिम्टम होते हैं, आप सबसे पहले जो मैंने उपाय बताए उसे ट्राई कीजिए। अगर उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप इसे वेट कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपकी तकलीफ़ कम नहीं हो रही है तो आप ज़्यादा लेट ना करें और अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें और इसका इलाज कराएं। एक लास्ट बात मैं बोलना चाहूँगा, कई बार जीआरडी और हार्ट अटैक के सिम्टम एक जैसे होते हैं। अगर आपको कभी भी इस तरह का सिम्टम अचानक से हो तो उसे इग्नोर न करें, ये सोच के कि ये गैस का सिम्टम है। आप उसे अगर एक बार हार्ट अटैक मान के अपने डॉक्टर से मिल लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपको हार्ट अटैक है और आपने इसे जीआरडी मान के घर में कुछ नहीं किया और इसे इग्नोर कर दिया तो हो सकता है कि आपकी लाइफ को भी रिस्क हो जाए। अगर कभी भी रात को खास करके इस तरह का सिम्टम हो और उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा पसीना आए, घबराहट हो, तो उसे गैस, एसिडिटी या जीआरडी सोचने की गलती न करें, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें उसी समय, चाहे रात को कितने भी बजे हों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपने इससे ज़रूर कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इसे लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। गुड नाइट।